नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेन के लिए मैथ का चैप्टर चल रहा था वृद्ध, उसके बारे में। तो आज की हमारी प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 6 और 7 हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए, सवाल नंबर 6 कह रहा है, पढ़ते हैं इसको सही से। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक वृत्त है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो एक वृत्त है, इसका एक केंद्र, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बिंदु ए ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र ओ मान लेते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु हमारा है, ठीक है। और देखिए आगे कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये तो स्पर्श रेखा खींची गई है, इसका नाम चलिए ए पी रख लेते हैं, स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परे तक को मिलाने में रेखा त्रिज्या कहलाती है, ये पूछी गई है। बस ये सवाल मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताए थे, आपको लगभग 10.2 के सवाल नंबर ये पद पढ़ाया था, पहला भाग उसे बताया था। आप लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, समझिएगा बात को, कि वृत्त की त्रिज्या ए ओ पी है। तो ये ओ पी लंब है हमारी किस पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ए पी पर। तो ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये कोण है हमारा ओ ए पी, ये वाला जो कोण है, कोण ओ ए पी, वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री का होगा ना। कौन सा वाला कोण, ओ ए सॉरी ओ पी ए या ए पी ओ, ये नहीं, ए पी ओ, ये वाला जो कोण होगा हमारा ए पी ओ, कोण ए पी ओ, ये 90 डिग्री का होगा। आप लोग याद जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी, या इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है हमें, समकोण त्रिभुज के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी, तो ये कर्ण 5, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर, मान लीजिए आधार निकालना में, या आधार देखिए हमें 4 अगर दिया गया है, ठीक है, अगर इसको हम 4 लिख लें कि आधार 4, तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वीडियो को समझ आ रहा होगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब निकालते हैं इसमें, देखिए लंब कितना जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 25 - 16 बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। 25 - 16 जाएगा कितना बचेगा, 9, तो 9 बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर। वैल्यू निकालना है लंब की, तो आ जाएगा लंब बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9, मतलब 3 सेंटीमीटर। और लंब हमारा क्या था, ओ पी, ओ पी लंब था, तो ओ पी हमारी त्रिज्या थी, ओ पी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था सवाल नंबर 6 आपका, कि इस सवाल पूछ सवाल नंबर 6 पूछ रहा था आपसे कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यह है संकेंद्रीय वृत्त, क्या कहते हैं जिनका केंद्र एक, चित्र बनाते हैं इसका, जिसका केंद्र एक हो, एक ही केंद्र पर। पहला एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये कि बड़ा वृत्त बना हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। इसका मतलब यह है, यह कि वृत्त बना हुआ है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है, और कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो केंद्र वही रहेगा, उसी केंद्र पर एक छोटा वृत्त हो जाएगा, ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 3 सेंटीमीटर का, मतलब एक अगर ये है हमारी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये टोटल, तो हमारी एक ये हो जाएगी, इतनी ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका अगर नाम लिख लें तो हो जाएगा ओ, ये हो जाएगी ए, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी ये हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़ा वृत्त है उसकी जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, छोटा वृत्त को स्पर्श, मतलब ये तो ऐसे ही चित्र बन जाएगा हमारी, कि बड़ा वृत्त ये है इसकी जीवा, मतलब ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो, तो ऐसे बन सकते हैं ये, इसका नाम पी क्यू लिख लीजिएगा। तो हमें इसकी लंबाई, बड़े जीवा की लंबाई, मतलब पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, जीवा तो यही होगी हमारी,
जीवा पी क्यू की लंबाई हमें फाइंड करनी है, पता लगाना है कि जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी है, ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक स्पष्ट, देखिए पी क्यू ये लंब होगी ओ बी पर, क्योंकि नहीं त्रिज्या जो होती है ओ बी, यह लिख लें इसको कि ओ बी लंब होगी पी क्यू पर। ओ बी क्या है हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमारा ये कोण कितना बनता है यहाँ पर, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री का बनता है कोण हमारा, कौन सा वाला कोण, कोण ओ बी पी ये वाला कोण कितना बनता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी हमारी, और वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। अगर हम त्रिज्या ओ पी को मिला लें, ओ पी को अगर मिला लें तो ओ ए भी त्रिज्या है और ओ पी भी त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है दोनों, देखिए अब वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है तो ओ पी बराबर ओ ए बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो हमारी ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, ओ इसमें देखिए बात करते हैं ओ बी पी में, किस त्रिभुज में ओ बी पी ये वाला, इतने को बात करें इसमें, तो देखिए यहाँ पर ओ बी पी में ये तो देखिए 90 के साथ भुजा कर्ण हो जाएगी, ये मालम आधा निकालना है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कर्ण कितना है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा बी पी, तो बी पी का स्क्वायर, लंब कितना है ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया है, ये सब लिख गया है, ठीक है। ओ पी दिया गया है तो 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर बी पी पता नहीं है हमें, तो इसका स्क्वायर ये बी पी ये पता नहीं है, निकालना है बी पी का स्क्वायर, और प्लस ओ बी दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 बराबर आ गया है पी बी का स्क्वायर, और प्लस 9 घटाइए 25 माइनस 9 बराबर पी बी का स्क्वायर, पी बी बराबर हमारा आ जाएगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, पी बी का वैल्यू निकालिए, पी बी बराबर आ जाएगा रूट 16, इसका मान होता है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब पी बी आ गई 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है जीवा पी क्यू, ये पी क्यू जो होगी वो पी बी के बराबर होगी, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुणा पी बी, 2 गुणा हो जाएगा पी बी का, तो हमारा ये आ जाएगा बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हमारा आपका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस 2 सवाल समझ में आ गए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।